नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा के ऊपर, जहां आपको फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स की हर अपडेट मिलती रहती है। DSSB फर्स्ट एंड थर्ड शिफ्ट की वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है। ये है सेकंड शिफ्ट का पेपर, जो मैंने भी अभी तक नहीं देखा और आप में से हो सकता है फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट के बच्चों ने भी नहीं देखा होगा। अब इस पेपर के लेवल की हम बात करेंगे और हम बात करेंगे फिजिकल एजुकेशन की, और फिर कंक्लूजन भी एक वीडियो में निकालेंगे नॉर्मलाइजेशन में किसको फायदा होगा, क्या कट ऑफ जाएगी। पहली शिफ्ट का पेपर मैंने आपको दिखा दिया, उन लोगों को मैंने एहसास करवा दिया कि मैं पहले दिन से कह रहा था कि पेपर बिल्कुल DSSB ने जीरो बनाया है। हालांकि जो लोग वो बकवास कर रहे थे, मैंने उनको ब्लॉक कर दिया था उसी दिन, चैनल से वो बहुत दूर जा चुके हैं, हो सकता है वीडियो भी ना देख पाए वो। लेकिन मैं फर्स्ट डे से एक चीज के ऊपर प्रेशर डाल रहा था कि क्वेश्चन पेपर इज टू मच इजी। दो पेपर मैंने देख लिए, दोनों में से मैं बताऊं तो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर मेरे को बहुत ज्यादा ईजी लगा। और ईमानदारी से मैं आपको बताऊं, जब मैं अपना पेपर कर रहा था लैब के अंदर बैठ के, जब मैं हमारा जो फिजिकल एजुकेशन का जो पोर्शन है 5-5 पार्ट में डिवाइड किया, जब मैं सेकंड पोर्शन के ऊपर पहुंचा, तब मुझे यह एहसास हो गया था कि इस बार सबके लिए चिंता कट ऑफ होने वाली है, ना कि पासिंग मार्क्स। और जब रिजल्ट आएगा तब मैं आपको एहसास तब हो जाएगा कि मैं क्यों सोच रहा था अपने पेपर के दौरान ही कि कट ऑफ में समस्या इस बार होने वाली है। पेपर से पहले मेरी भी ये थ्योरी थी कि हम जो है क्राइटेरिया को क्रॉस नहीं कर पाएंगे, लेकिन DSSB ने जो पेपर का पैटर्न दिया है वहां पे क्राइटेरिया को पास करने वाले बहुत सारे बालक हैं, तो उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम सेकेंड शिफ्ट का पेपर है, जो आफ्टरनून का जो पेपर है, उसकी हम बात कर लेते हैं। वहां पे क्वेश्चंस का लेवल क्या था उसकी हम बात कर लेते हैं, और फिर हम कंक्लूजन एक स्पेशल वीडियो में निकालेंगे कि मेरे को एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या नजर आते हैं, उसके ऊपर बाद में बात करूंगा। ठीक है, अब हम फिजिकल एजुकेशन के पोर्शन में चलें। उससे पहले 2-3 बातें मैं कहता हूं कि चैनल पे पहली बार विजिट आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 3 लिंक हैं, फिजिकल एजुकेशन अडेप्ट का लिंक उसको डाउनलोड करो, इंस्टाग्राम का हैंडल का लिंक उसको फॉलो करो, टेलीग्राम का लिंक है तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ताकि हमारी टीम के साथ आप कनेक्ट रहे इसको भाई। अब चलो बात कर लेते हैं सेकंड शिफ्ट की। मैंने अभी तक फिजिकल एजुकेशन का इसका पोर्शन नहीं देखा, अभी मैं ओपन करके आपके सामने देखने वाला हूं कि इसमें जो है कैसा क्या पेपर का लेवल था। अभी मैथ यहाँ पे चला हुआ है, अब जो है आपका मैथ है ये, अब आपकी इंग्लिश यहाँ पे आ रही है, इंग्लिश, इसके बाद हिंदी, और हिंदी के बाद हमारी आएगी फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन को हम जो है यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। हिंदी का पैराग्राफ इसमें भी इजी मिलने वाला है मेरे को जहाँ तक नजर आता है, और यहाँ पे हिंदी के 10-11 क्वेश्चंस, तो लेवल यहाँ पे ये पैराग्राफ है भाई, अच्छा ये भी इजी है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। चलो हम बात करेंगे फिजिकल एजुकेशन की भाई। चलो भाई, फ्लैट बोन के बारे में पूछा है, क्या बातें सही है फ्लैट बोन के बारे में भाई। ठीक है, थोड़ा सा मैं एक बार मार्कर ले लेता हूँ, मार्कर हम चूज कर लेते हैं, और ये हमने चूज कर लिया। अब चलो हम डिस्कशन करते हैं। अच्छा, फ्लैट बोन्स क्या करती हैं भाई, कौन सी करेक्ट है? दे आर थिन एंड क्राउड, बिल्कुल सही बात है। दे आर प्रोटेक्ट द इंटरनल ऑर्गन्स, नो, फीमर कार्पल्स फिबुलर फ्लैट बोन, भाई दो ही बातें ठीक है, फीमर कार्पल्स फिबुला फ्लैट, नो, ये नहीं है भाई, पहली दो ही ठीक है भाई, इंटरनल ऑर्गन को जो है वो देंगी, और ये दोनों ही ठीक है। फीमर आपको ये पता है फ्लैट बोन है ही नहीं, लॉन्ग बोन है, कार्पल्स फिबुला ये सारी, तो यहाँ पे दो ही राइट आंसर ठीक हुए भाई। दे आर थिन एंड कर्व, बिल्कुल दोनों ही बातें ठीक है, बता दो इस क्वेश्चन में क्या था। चलो, बोन फॉर्मेशन इज फंक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बोन्स, ऑस्टियोब्लास्ट, ये क्वेश्चन मैंने बिल्कुल पढ़ा और मैंने प्रैक्टिस सेट में भी आपको करवाया मिलेगा भाई, ऑप्शन सी, ये बिल्कुल करवाया हुआ मिलेगा ऑस्टियोब्लास्ट वाला क्वेश्चन, मेरे को ध्यान नहीं कौन से प्रैक्टिस सेट में। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा जो है व्यायामशाला और खेल के मैदान के उद्देश्य है, बता दो भाई। मोटर शिक्षा, जिसे शारीरिक शक्ति को बढ़ावा देने में कार्य करना चाहिए, इस बात को इंग्लिश में पढ़ोगे तो बिल्कुल इजीली समझ पाओगे। मानसिक, नैतिक और सामाजिक भावनाओं की जागृति और अभिव्यक्ति व अवस्थाएं जो नागरिकता के अच्छे गुणों को और ले जाएंगे, दोनों ही बातें ठीक हैं भाई, दोनों ही बातें ठीक हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉम्बिनेशन करेक्ट, पैटेटोज सिंपल कार्बोहाइड्रेट, हनी सिंपल कार्बोहाइड्रेट, माजिया कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, बीन्स कॉम्प्लेक्स, तीनों ही ठीक है, पैटेटो भाई कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में आता है पैटेटो, ये तीनों ठीक है, कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, इसको भी हिंदी में पढ़ोगे तो आप समझ पाओगे। ठीक है,
अनाज जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं और मीठी जो चीजें होती हैं वो सिंपल होती हैं भाई। तो यहाँ पे भी कुछ ज्यादा था नहीं सोचने का, ठीक है। इसके बाद खालिस्तान इज नॉट ए कॉम्पोनेंट ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म का कौन सा कॉम्पोनेंट नहीं है, दोनों ही है, तो राइट ऑप्शन नाइदर वन नाइदर टू हो जाएगा। अगर दोनों इसके राइट ऑप्शन नहीं में होते, यहाँ पे कुछ और होते, तो आपका राइट ऑप्शन बोथ एक और दो हो जाता, लेकिन यहाँ पे नाइदर वन और नाइदर टू, मतलब कौन सा भी ऑप्शन जो पूछे गए क्वेश्चन के हिसाब से ठीक नहीं है। चलो क्वेश्चंस के लेवल लेवल ठीक मानूंगा इसको, मैं मीडियम मान के चल रहा हूँ। कौन सी शारीरिक गतिविधि उपयुक्त है और लड़कियों द्वारा लाभकारी रूप से की जा सकती है, दिए गए कथन के हिसाब से निम्नलिखित में से कौन से कारक पर विचार किया जाता है, उनके शरीर की संरचना, उनके विकास की प्रकृति। चलो दोनों ही बातें ठीक है भाई, यहाँ पे भी लड़कियों के बारे में दो बातें पूछी थी, आपकी कॉमन सेंस के हिसाब से आपको राइट आंसर देना था भाई। ओवर यूज सिंड्रोम के कारण निम्नलिखित में से क्या हो सकता है, सारी चीजें हो सकती हैं भाई, नंबर ऑफ क्वेश्चन, ऑल ऑफ दीज है, निद्रा हो सकती है भाई, ठीक है। चलो इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा स्थापित नियमों के अनुसार खालिस्तान अनुसार केवल खालिस्तान को ओलंपिक खेलों के लिए मेजबानी बोली लगाने में जो अनुमति, शहर, ये क्वेश्चन तो बहुत बार पढ़ चुके हैं, सिटी को दी जाती है ओलंपिक खेलों की मेजबानी भाई, शहर लगा सकता है बोली। चलो पुनर्वास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, बता दो। प्रारंभिक पुनर्चोट के प्रभाव को, नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं, नो नो, ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। पुनर्वास का मतलब ही यही है कि चोट से आपको रिलैक्सेशन जल्दी से जल्दी दे, बाकी सारी बातें पढ़ लेना, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, बाकी सारी बातें इसके बारे में ठीक मिलेंगी भाई। चलो निम्नलिखित में से भोजन, कौन से भोजन पानी की मात्रा भरपूर होती है, बता दो। तीनों में होती है भाई, टमाटर संतरा खीरा, सोचने की जरूरत नहीं, तीनों विटामिन सी के अच्छे स्रोत होते हैं और तीनों में होती है भाई। चलो बाई विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंशन ऑफ ब्लिस्टर इज नॉट पॉसिबल, हाइजीन ऑफ वेलनरेबल पार्ट शुड बी मेटिकुलस मेंशनड, सेंसिटिव स्किन एरियाज कैन बी प्रोटेक्टेड विद एडहेसिव प्लास्टर, नॉट पॉसिबल, नाइदर वन नाइदर टू, कौन सा भी ऑप्शन सही नहीं है दिए गए क्वेश्चन के हिसाब से। दोनों ही चीजें ब्लिस्टर के साथ रिलेट करती हैं, तो यहाँ पे पूछा ब्लिस्टर के साथ कौन सा पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये दोनों तो पॉसिबल है, तो यहाँ पे राइट आंसर नाइदर वन नाइदर टू हो जाएगा भाई। अच्छा, स्टेट फुट रेस, बिल्कुल पढ़ चुके हैं इसको बहुत बार भाई, फुट रेस पहला इवेंट, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, बिल्कुल जीरो था ये। परमाणु और भी छोटे अप्रमाणिक कणों से बने होते हैं, इसको यार 10th क्लास में 8th क्लास में पढ़ना शुरू किया था, सारे ही होते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन। चलो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, एनाटॉमी अबाउट फंक्शन, फिजियोलॉजी अबाउट स्ट्रक्चर, कौन सा भी सही नहीं है भाई। फिजियोलॉजी क्या करता है एनाटॉमी, फिजियोलॉजी क्या करता है फंक्शन का, देन एनाटॉमी क्या करता है स्ट्रक्चर का, देन तो कौन सा भी ठीक नहीं है, यहाँ पे दोनों ही गलत है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ वन और बोथ टू, अपोजिट दे दिए दोनों। चलो इसके बाद पैथाफिजियोलॉजिकल फिजियोलॉजी ऑफ ओबेसिटी इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर, जेनेटिक, बिहेवियरल, साइकोलॉजिकल, ये तीनों ही है भाई, ऑप्शन सी। भोजन में खालिस्तान जैसे तत्व होते हैं, कौन से, एक दो तीन, सारे ही होते हैं भाई, विटामिन, जल, खनिज, सारे ही होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक खिलाड़ी की ऊर्जा की आवश्यकता को निर्धारित करता है, खेलों के प्रकार, दोनों ही करते हैं भाई, बोथ ए एंड बी। अच्छा, ड्यूरिंग एक्सरसाइज द ब्लड फ्लो स्विचेज टू अबाउट खालिस्तान परसेंटेज ऑफ मसल्स डिपेंडिंग अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ एक्सरसाइज, 70 से 90, बिल्कुल ये आपकी प्रैक्टिस सेट में आ चुका हुआ क्वेश्चन है, या आप, मैंने आपको बताया भी होगा कहीं ना कहीं पे, 70 से 90% भाई, क्योंकि हमने पढ़ा है मैक्सिमम जो ब्लड है वो स्केलेटल मसल की ओर जाने लगता है भाई। ग्लूकोज तीन तत्वों से बना होता है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है, ठीक होगी भाई, इस क्वेश्चन में क्या था मैंने बता दो भाई, 12th की बुक में मिल जाएगा आपको ये, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन होते हैं इसमें। चलो शारीरिक शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बता दो। शारीरिक शिक्षक शिक्षा शिक्षक में दूसरों के साथ सहयोग करने और काम करने की इच्छा क्षमता प्रदान करती, बिल्कुल करती है। शारीरिक शिक्षा शिक्षक का आसन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि स्कूली बच्चों में अच्छे आसन को बहुत महत्व दिया जाता है, बिल्कुल दोनों बातें ठीक है भाई, कुछ था ही नहीं इसमें भी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द प्रिंसिपल ऑफ ऑफिशिएटिंग, ऑफिशिएटिंग के प्रिंसिपल पूछे भाई, नीन, ऑब्जर्वेशन, फिजिकल एंड मेंटल प्रेजेंस होनी चाहिए, हेल्दी एटमोसफेयर, एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी, चारों ही ठीक है भाई। अगर मैं यहाँ तक पेपर को देखूँ ना ईमानदारी से आपको बताऊँ मैं, तो मेरे को थर्ड शिफ्ट का पेपर अब भी हार्ड लगता है सबसे भाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, शारीरिक गतिविधि के दौरान परिसंचारी प्रणाली कुछ महत्वपूर्ण कार्य करती, निम्नलिखित में से कौन से वो कार्य हैं, सक्रिय ऊतकों को ऑक्सीजन पहुँचाता है, बिल्कुल पहुँचाता है भाई, जो सर्कुलेटरी सिस्टम आपका,
शरीर के मूल से त्वचा तक उष्मा को परिवहन करती है, जो कोशिकीय चयापचय का उत्पाद बिल्कुल, फेफड़ों में रक्त को वापस लौटाता है बिल्कुल लौटाता है, तीनों ही करता है भाई, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, तीनों ही करता है सर्कुलेटरी सिस्टम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज कोरेक्ट अबाउट रिब्स? अच्छा, रिब्स के बारे में कोरेक्ट वो पूछिए, रिब्स, रिब्स क्या होती है हमारी? ईच रिब्स इज कवर्ड, बिल्कुल कवर्ड होती है भाई, फ्लैटेंड बोन बिल्कुल, दैट कंट्रीब्यूट टू द वॉल ऑफ थोरिक्स, बिल्कुल भाई दीवार बनती है, 12 होती हैं कोस्टल कार्ड, बिल्कुल तीनों ही बातें ठीक है भाई, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में भी, ऑप्शन सी। अच्छा, इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी एक खेल प्रशिक्षक की भूमिकाएं हैं? इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी एक खेल प्रशिक्षक की भूमिका है? कौन सी है? दोनों ही होती है भाई, टीम और व्यक्तियों के प्रदर्शन को बढ़ाने में मदद करने के उद्देश्य से दृष्टिकोण बिल्कुल, और नौसिखे को नियम तकनीक बिल्कुल सिखाएगा, दोनों ही तो करेगा। अच्छा, स्ट्रेंथ इज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ, देखो इस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो सकते हो क्योंकि टेक्टिकल शब्द जो है हमारी रीजनिंग से जुड़ा है, टेक्निकल और मोटर एबिलिटी बिल्कुल, तो यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो, अदरवाइज जो है, लेकिन दिए गए ऑप्शंस के हिसाब से हो सकता है बी के साथ भी गए हो क्योंकि छोड़ दिया आपने, तो एक आध क्वेश्चन कंफ्यूजिंग हो सकता है, अदरवाइज आप नंबर ऑफ क्वेश्चन ऑल ऑफ दीज के साथ गए हो तो बिल्कुल ये भी आपका राइट है भाई। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, बताओ इसमें क्या था भाई? तीनों ही हैं प्रिंसिपल, साइक्लिसिटी, कंटिन्यूटी, वैरायटी, दोनों तीनों ही हैं भाई। ह्यूमन बिहेवियर इज ऑफन कैटेगराइज इन टू विच ऑफ द फॉलोइंग, अनलर्नड, इनेट बिहेवियर, लर्नड और एक्वायर्ड बिहेवियर, दोनों ही हैं भाई, बिहेवियर होते हैं जन्मजात और एक्वायर्ड, दोनों ही होते हैं, ठीक है, ये हमने 3 घंटे क्लास में बिल्कुल डिस्कस किया होगा। द रिलेशनशिप बिटवीन कोच एंड एथलीट मस्ट नोट बी अनप्रोफेशनल, स्ट्रॉन्ग बिल्ड, अनप्रोफेशनल का तो कोई मतलब ही नहीं है भाई, ये संबंध नहीं होना चाहिए, बाकी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और म्यूचुअल ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट होनी चाहिए। बताओ एक क्वेश्चन, ये किसी बुक में मिलेगा? अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द स्टेजेस ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ की स्टेजेस भाई, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलसेंस, सारी दे रखी है भाई। वैसे एक एज होती है वहां पे जाके ग्रोथ रुक जाती है, वो होती है लास्ट की जो है वृद्ध अवस्था, लेकिन यहाँ पे जुवेनाइल आंसर दे रखा, मेरे को नहीं पता इसका राइट आंसर क्या होगा, सॉरी इसका मतलब क्या है, लेकिन ऑल ऑफ दीज दे रखा है, तो जुवेनाइल शायद भाई ये वो एज तो नहीं है जो मैं कह रहा हूँ वृद्ध अवस्था, बाकी तीनों में होता है, लेकिन जुवेनाइल हमें देखना पड़ेगा इसका, एक मिनट मैं इसको डिक्शनरी में सर्च करूँ तो यहाँ पे मैं आपको बता भी दूंगा, एक मिनट थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको, जस्ट ए मिनट, वीडियो चल रहा है, मैं वीडियो के बीच में इसको सर्च कर रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ क्लियर करनी जरूरी है, यहाँ पे ऑब्जेक्शनेबल कोई चीज़ मेरे को लगेगी तो मैं आपको एट ए टाइम बता दूंगा, क्योंकि ग्रोथ जो होती है वो एक एज में जाने के बाद रुक जाती है भाई, डेवलपमेंट सारी उम्र चल सकती है लेकिन ग्रोथ नहीं चलेगी भाई। मेरे को मिल गई यू डिक्शनरी, JUVE, तरुण किशोर, बिल्कुल भाई एडोलसेंस में भी चलेगी, वृद्ध अवस्था में रुक जाती, तो वृद्ध अवस्था ऑप्शन में नहीं है, चलो ठीक है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है भाई चारों ही। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द फैक्टर ऑफ इंटरवल मेथड ऑफ एंड्योरेंस ट्रेनिंग, इंटेंसिटी ऑफ, स्पीड ऑफ वर्क, इंटरवल, बिल्कुल तीनों ही भाई, ड्यूरेशन ऑफ वर्क सारे ही ठीक है, चलो ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द नॉट टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग लोड, ट्रेनिंग लोड भाई कौन सा टाइप नहीं है, इनर लोड, आउटर लोड, दोनों ही होते हैं तो कौन सा भी ऑप्शन ठीक नहीं है, दोनों ही राइट हैं भाई, यहाँ पे इन्होंने पूछा नहीं है तो नाइदर वन नाइदर टू, तो मतलब कौन सा भी ऑप्शन ठीक नहीं है भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज नॉट कोरेक्ट, कंपिटिशन, जर्नल कोड, एथिक्स ऑफ स्पोर्ट्स ऑफिशिएटिंग, कंसर्न फॉर अदर वेलफेयर, बेसिक कोड ऑफ एथिक्स ऑफ, भाई ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा डीपली था, इसका राइट आंसर ऑप्शन भी, बाकी आप पढ़ लेना भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट बंधाज, जालंधर, उडियान, मूलबंध, तीनों ही बंद है भाई, तीनों हैं, योग आपने रामदेव को सुना होगा आस्था पे तो बता दोगे तीनों बंद है। अच्छा, पल्मोनरी वेंटिलेशन इज द एक्ट ऑफ ब्रीथिंग, इट इज डिपेंडेंट ऑन 3 types ऑफ प्रेशर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज कोरेक्ट अबाउट दोज प्रेशर भाई, चलो इनको पढ़ लेना भाई, तीनों ही ठीक है, स्टेटमेंट थोड़ी लंबी दे रखी है तो इस क्वेश्चन को भी मेरे हिसाब से आपने समय नहीं देना चाहिए था, दे भी दिया तो आप इसका राइट आंसर ऑल ऑफ दीज के साथ गए ऊपर हालात देख के। सिंपल रिफ्लेक्स आर नेचुरल रिस्पॉन्स टू, दोनों ही है लाइट और साउंड को, सिंपल रिफ्लेक्सिस भाई एक्शन जो होते हैं नेचुरल लाइट और साउंड।
खालिस्तान इज द प्रिंसिपल ऑफ गवर्निंग द परफॉर्मेंस ऑफ आसना, स्टेबिलिटी एंड कंट्रोल दोनों ही होते हैं भाई आसन परफॉर्म करने के मेथड, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द रोल ऑफ कोच ऑन एंड ऑफ द फील्ड, कौन कौन से जो है उसके कोच के जो है रोल होते हैं भाई ऑन द फील्ड और ऑफ द फील्ड, एडवाइजर, फैसिलिटेटर, डेमोस्ट्रेटर, मोटिवेटर, चारों ही होते हैं, कॉमन सेंस का क्वेश्चन था ये भी। अच्छा, साइकोलॉजी इन्वॉल्व ए लॉट ऑफ साइकोमेट्रिक टेस्टिंग, ये भी भाई डेफिनेशन थी और ये हमने आज तक नहीं पढ़ी, तो यहाँ पे आंसर है आपका स्टेटिस्टिक मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन। ये भी भाई पहले शिफ्ट से थोड़ा टफ पेपर था और थर्ड शिफ्ट से ईजी था भाई, मैं आपको बता रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वे ऑफ डिटरमाइनिंग ए फिटनेस ऑफ एन ऑफिशिएटिंग ऑफिशियल, बॉडी मास इंडेक्स, फिटनेस एंड एक्सरसाइज, कौन सा भी ऑप्शन जो है यहाँ पे ठीक नहीं है, नाइदर वन नाइदर टू भाई, ठीक है। बॉडी मास इंडेक्स भी आप देख सकते हो, फिटनेस एंड एक्सरसाइज प्रोग्राम इसके द्वारा भी, ठीक है। लॉ ऑफ इफेक्ट इज ए लॉ ऑफ लर्निंग, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट लॉ ऑफ इफेक्ट, दोनों ही है भाई, यहाँ पे भी ऑल ऑफ दीज आप काउंट करोगे तो इसको, ठीक है, दोनों ही यहाँ पे राइट आंसर है। कौन ये जड़ता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये क्वेश्चन भी भाई बायोमैकेनिक्स से संबंधित है, थोड़ा सा मैं इसको टफ मानूंगा, इस क्वेश्चन को आपको भी आपको छोड़ देना चाहिए था भाई। मैनेजमेंट इज एन एक्शन इज प्रोबेबली मोस्ट क्लेरिफाई आइडेंटिफाई इन लीडरशिप एंड डायरेक्टिंग, बिल्कुल दोनों बातें ठीक है, बोथ वन एंड टू। मोस्ट ऑफ द जॉइंट ऑफ अपेंडिकुलर स्केलेटल आर, साइनोवियल जॉइंट, फाइबर्स जॉइंट, अपेंडिकुलर स्केलेटल, ये थोड़ी डीप बात है भाई, साइनोवियल जॉइंट आएंगे यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है, साइनोवियल जॉइंट। अपेंडिकुलर जो हमारा स्केलेटल होता है, हाथ और लेग्स हो गए, इसमें ज्यादातर साइनोवियल जॉइंट होते हैं भाई। हु रोट द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, चार्ल्स डार्विन, ये क्वेश्चन बहुत बार पढ़ चुके हैं भाई आप नॉर्मल जीके में भी। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व एजिलिटी ऑफ हाइएस्ट ऑर्डर, हाईएस्ट ऑर्डर में किसको एजिलिटी की जरूरत होती है, तीनों में होती है भाई, जिम्नास्टिक, डाइविंग, खो खो, तीनों में होती है एजिलिटी की जरूरत। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन इज एसोसिएटेड, दोनों के साथ जुड़ी है भाई, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ड्यूरिंग ए लीप द जंपर हेड स्टेज एट सम लेवल बट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉलोज ए, पैराबोलिक बात, बिल्कुल पैराबोलिक पाथ को आपने स्टडी किया होगा तो बिल्कुल आप बता दोगे, कोई भी चीज हवा में होती है तो वो पैराबोलिक पाथ ही तय करती है भाई। व्हेन खालिस्तान देन कंसेंट्रिक मसल एक्शन ऑक्यूर्स, पढ़ लेते तो आप बता दोगे, कंसेंट्रिक मूवमेंट जब मसल छोटी होती है, आइसोटोनिक के पार्ट होते हैं ना एसेंट्रिक और कंसेंट्रिक, पहले शिफ्ट में एसेंट्रिक पूछ लिया, यहाँ पे कंसेंट्रिक पूछ लिया, तो इन तीनों को आप स्टडी करोगे तो बिल्कुल आप बता दोगे राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा नियंत्रण के सामान्य आधार है, मात्रा, संख्या, ये भी भाई थोड़ा सा टफ क्वेश्चन हो सकता है हिंदी लैंग्वेज के कारण लगे, लेकिन टफ मान लो इसको, ऑल ऑफ दीज है भाई ये भी, ठीक है। अच्छा, कॉलेज और विद्यालयों के को शारीरिक शिक्षक शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम में निर्देशन प्रदान करना चाहिए जो प्रबंधन मानदंडों को संतुष्ट करे, निम्नलिखित में से कौन से वे प्रबंधन मानदंड हैं, तो भाई देख लेना सारे ही, ऑल ऑफ दीज कार्यक्रम को सारी आप पढ़ के इनको भी बता दोगे आप, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी ज्यादा वो मत मानो, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, आपके इंटरनल रीजनिंग का क्वेश्चन है। चलो इसके बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डिस्क्राइब लीडरशिप, इन्फ्लुएंस पीपल, अटेनिंग ऑफ गोल, बिल्कुल दोनों ही ठीक है भाई, ये भी कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, पढ़ने का नहीं था। पर्यावरण स्वच्छता एक ऐसा उपाय है जो संचारी रोगों के प्रसार को रोकने और नियंत्रित करने में मदद करता है, पर्यावरणीय स्वच्छता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है भाई, मक्खियों, बिल्कुल दोनों ही बातें सही हैं भाई, मक्खियों का जगह आ गया, पानी इकट्ठा होता है पर ना, मतलब कौन सा जो है फैला सकता गंदगी, उस हिसाब से कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। चलो इसके बाद, सेवरल मोटिवेशनल टेक्निक एंड स्ट्रेटजी आर यूज बाई एथलेटिक कोच फिजिकल एजुकेटर टू कीप स्पोर्ट्स पर्सन मोटिवेटेड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर दोज, गोल सेटिंग बिल्कुल है भाई, पॉजिटिव सेल्फ टॉक बिल्कुल है, मोटिवेशनल भी, ये सारी हैं भाई, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में भी, सारी टेक्निक हैं, ट्वेल्थ की बुक उठाओ पढ़ लो पता चल जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट बायोमैकेनिक्स, इट इज द स्टडी ऑफ एयर फ्लोज, बिल्कुल है भाई, इट इज ए स्टडी ऑफ फोर, बिल्कुल है, दोनों ही बातें ठीक है, ऑप्शन के शुरुआत से पता लग रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज नॉट करेक्ट, एवोल्यूशन बिल्कुल भी स्किन इंजरी नहीं है, स्ट्रेन सॉफ्ट टिश्यू इंजरी स्ट्रेन सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है नहीं है, किससे जुड़ी है,
एलिवेशन तो भाई इंजरी है आपकी, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा मेरे को। स्ट्रेन टेंडन की इंजरी है, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है ये तो, वैसे तो सोचा जाए तो मसल की इंजरी है ये, मसल सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। एवल्यूएशन आपका एक प्रकार का जो है क्या है वो आपकी जो स्किन के अंदर से निकल आती, तो यहाँ पे दोनों ही ठीक है, तो नाइदर वन नाइदर टू हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। ओके ओके मैं समझ गया भाई, इन्होंने पूछा कौन सा सही नहीं है, तो राइट आंसर बोथ वन बोथ टू के साथ तो आप जा नहीं सकते क्योंकि दोनों ही ऑलरेडी सही दे रखे हैं, तो नाइदर वन नाइदर टू राइट आंसर। ओके ओके मैं समझ गया भाई, कई बार मेरे को भी कंफ्यूजन हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स एंजाइटी, स्पोर्ट्स एंजाइटी के टाइप पूछे हैं। स्टेट एंजाइटी बिल्कुल होती है, स्पेसिफिक एंजाइटी होती है, ट्रेट एंजाइटी, चारों होती हैं भाई आपकी। ये क्वेश्चन थोड़ा हाई लेवल का था भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज नॉट करेक्ट, ये भी भाई थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आपका, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट था। बिफोर एन इवेंट और गेम विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स मस्ट बी थ्रूली चेक्ड, इक्विपमेंट आप चेक करोगे, टिकटिंग आप यू चेक करोगे, मेडिकल सुपर, बिल्कुल तीनों ही चेक करोगे भाई। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट टेस्टिंग प्रोसीजर ऑफ चिनअप्स, तीनों ही आएंगे भाई, चिनअप्स के बारे में पूछा तो यहाँ पे जिक्र करने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल तीन के साथ जाओगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट, कौन सी करेक्ट नहीं है भाई। डिस्प्लेसमेंट इज ए स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन फ्रॉम इनिशियल पोजिशन टू फाइनल, बिल्कुल है भाई डिस्प्लेसमेंट ये होता है। डिस्प्लेसमेंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज ए रेट ऑफ भाई, ये वेक्टर क्वांटिटी है ये, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ये भी हमने प्रैक्टिस सेट में जरूर डिस्कशन किया होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज आर करेक्ट, मोट लोकहार्ट टेस्ट, दोनों ही ठीक है भाई, रसल लंज दोनों ही ठीक है आपके, ये टेस्ट एंड मेजरमेंट के क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट है प्लेयर नीड टू टेक डिसीजन इन डिफरेंट कंडीशन एंड डिफरेंट सिचुएशन, द एबिलिटी हेल्प्स टू हेल्प हेल्प्स देम टू इम्प्रूव देयर थिंकिंग, दिस स्टेटमेंट डिस्क्राइबिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भाई बिल्कुल, यहाँ पे भी कुछ ज्यादा सोचने का था नहीं, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से प्रदूषण के बिंदु स्रोत हैं, नगर निगम, औद्योगिक परिवहन, अमली वर्षा, कृत्रिम वर्षा, कौन से प्रदूषण के बिंदु स्रोत हैं। कृषि अपवाह वैसे तो सारे ही हैं भाई, लेकिन ये आपके कौन से, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा भाई मेरे को क्वेश्चन, क्योंकि अमली वर्षा प्रदूषण के कारण होती है, कृषि अपवाह ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा भाई मेरे को, ये क्वेश्चन डाउटफुल है क्योंकि कृषि अपवाह भाई आप जलाओगे तो उससे भी प्रदूषण हो सकता है। यहाँ पे वाटर शब्द का यूज नहीं किया गया है और इससे भी आपका हो सकता है, नगर निगम ये इससे तो पक्का होता है श्योर, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है भाई। इसके बाद है द आउटस्टैंडिंग डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन प्री इंडिपेंडेंस इंडिया गोज टू द YMCA, अच्छा पहले YMCA किसके द्वारा स्थापित किया गया, सीबक के द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द मेजर कंसीडरेशन इन मॉडर्न एजुकेशनल प्रोसेस, मैन मटेरियल मेथड, ये तीनों ही चीज शामिल होती हैं भाई। इसके बाद व्हाट कैन यू डू सेव इलेक्ट्रिक, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है भाई, बोथ वन टू पढ़ लेना इसको, बिल्कुल समझ जाओगे आप, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, कौन सी करेक्ट है, तीनों ही करेक्ट है भाई, इसको भी पढ़ लेना, ठीक है। द डिफरेंस डिफरेंट साइंस कॉन्ट्रीब्यूट वेरियसली टू डिटर्मिनेशन ऑफ प्रिंसिपल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सेटिस्फाई द गिवन स्टेटमेंट। एनाटॉमी प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग यूज ऑफ फुट इन वॉकिंग, फिजियोलॉजी रिप्रेजेंट द फैक्ट ऑफ रेस्पिरेटरी नीड, बिल्कुल। एंथ्रोपोलॉजी ऑफर्स एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ मूवमेंट, सारे ही ठीक है भाई। एनाटॉमी से आपको पता चलता आपके लेग्स कैसे हैं, जुड़े हैं भाई, आड्डे हैं, तिरछे हैं, बो लेग है, नील आपको मतलब कोई डिफॉर्मेटी तो नहीं है भाई, ठीक है। फिजियोलॉजी रेस्पिरेटरी नीड का अध्ययन करेगी, एंथ्रोपोलॉजी आपकी मूवमेंट, क्लाइंबिंग हैंगिंग इनका अध्ययन करती, तीनों ही बातें ठीक है भाई। नौ नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द स्पेशल फीचर ऑफ टीचिंग इंडिविजुअल स्पोर्ट्स दैट मस्ट रिमेन अंडर द फोकस ऑफ फिजिकल एजुकेशन टीचर। यहाँ पे भाई बोथ वन एंड टू ठीक है, थोड़ी सी लंबी स्टेटमेंट है, मैं ज़्यादा समय इस क्वेश्चन को नहीं दूंगा, दोनों ही बातें ठीक है भाई। स्किल प्रैक्टिस इंडिविजुअल ठीक है, कैन बी ऑर्गेनाइज इन ग्रुप ऑल्सो, बिल्कुल हो सकती हैं। दिस विल रिक्वायर्स मैचिंग इंडिविजुअल ऑन एबिलिटी स्ट्रेंथ, बिल्कुल। कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्टिविटी इट्स मीनिंगफुल एंड सस्टेन्ड प्रैक्टिस एंड प्रॉपर एनालिसिस आर द थ्री बेसिक, बिल्कुल ठीक है, दोनों ही बातें ठीक है भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन डी
नॉन डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट मरकरी भाई, इसको आप कभी ख़त्म नहीं कर सकते, ऑप्शन सी, बाकी सारी हो सकती हैं भाई। हाँ ये दोनों में कन्फ्यूजिंग था थोड़ा सा, डी डी डी, लेकिन जब मरकरी आपको नजर आ पा रहा तो इसको आप ख़त्म नहीं कर सकते भाई, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट, ये मेथड ऑफ टीचिंग जनरल वे ऑफ, बिल्कुल सही बात है ये, ए टेक्निक इज मेथड ऑफ, बिल्कुल ठीक बात है ये, तो नाइदर वन नाइदर टू हो जाएगा यहाँ पे, मतलब कौन सा भी इसके हिसाब से ठीक नहीं है ना क्वेश्चन के हिसाब से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल मैक्सिमम ऑफ मैक्सिम ऑफ टीचिंग विच मस्ट नेसेसरली बी फॉलोड बाई एवरी टीचर, बिल्कुल ये बात ठीक है भाई, ए सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट, नॉन टू अननोन, बिल्कुल ये सारे मेथड होते हैं भाई। प्रोजेक्ट मेथड हेल्प्स फिजिकल एजुकेशन टीचर्स इन ऑर्गेनाइजिंग मैथ टेस्ट, पिकनिक्स, ट्रैक, एथलेटिक्स मीट्स, सारी हैं भाई, ऑप्शन डी, ऑप्शन ए सॉरी। कौन सा सही है, ऋग्वेद में, चलो ये थोड़ा योग का क्वेश्चन था डीपली, बोथ वन एंड टू के साथ आप गए होगे। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज आर यूज इन फिजिकल एजुकेशन, ब्लैक बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड, दोनों यूज कर सकते हो भाई आप, कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट ऑडियो विजुअल एड्स, द एड शुड बी यूज मेयरली बिकॉज इट्स अवेलेबल, ये भाई थोड़ा हिंदी में होता तो इसको हम पकड़ पाते क्वेश्चन को, बाकी ये भी ईजी मिलेगा हिंदी में, आप इसकी स्टेटमेंट को बिल्कुल पकड़ गए होगे, ठीक है ना, आए तो भी 10-20 क्वेश्चन कोई मायने नहीं रखते भाई इतने बड़े पेपर में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द एट्रीब्यूट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन की विशेषताएं पूछी, एट्रीब्यूट आपसे पूछे, इंस्ट्रूमेंटलिटी होनी चाहिए, परमानेंसी होनी चाहिए, डेलीगेशन ऑफ पावर, आइडेंटिटी, बिल्कुल भाई चारों ही चीज़ें होनी चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन में। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा जो है वनों के कार्य हैं भाई, सारे हैं, बिल्कुल सारे हैं भाई, कॉमन सेंस का क्वेश्चन था ये भी। विच वन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल मे बी हेल्पफुल टू ए टीचर इन रिस्पेक्ट ऑफ एंटिसिपेशन, एंटिसिपेशन मतलब पहले पता लगाने के लिए भाई, टैलेंट आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, बिल्कुल आप जो है बता सकते हो, कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, इसको भी ज्यादा मैं स्टडी नहीं करूंगा क्योंकि 27 मिनट की वीडियो की ज़्यादा लंबी करने में कोई फायदा नहीं है भाई, ये क्वेश्चन भी इजी लेवल का मैं मानूंगा, ज़्यादा टफ नहीं था, हाँ लंबी लेंथ थी आप इसको छोड़ सकते थे। एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्टाइल इन स्पोर्ट्स, दोनों ही हैं भाई प्रोजेक्टाइल का उदाहरण, स्क्वैश बॉल इन फ्लाइट है, बास्केटबॉल इन फ्लाइट है, दोनों ही हैं, किस पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर दूसरी भाई, ये थोड़ा सा घुमा रखा था, घुमा तो नहीं डायरेक्ट है वैसे, लेकिन हमारे हिसाब से हो सकता है थोड़ा सा मुश्किल आपको लगे। हॉकी मैच में कितने सब्स्टिट्यूशन, कोई सीमा नहीं होती है भाई, ठीक है। पुरुषों के कबड्डी में अवधि भाई 20 मिनट के दो, आप बिल्कुल सही बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेकेंडरी स्टोरेज ऑफ कंप्यूटर, दोनों ही सेकेंडरी हैं भाई, कंपैक्ट डिस्क, हार्ड डिस्क। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पोजिशन इन 3 पोजिशन शूटिंग इवेंट्स, शूटिंग, नीडिंग है, स्टैंडिंग है, प्रोन है, शूटिंग इवेंट में पूछें भाई, शूटिंग का कोई इवेंट नहीं होता, बाकी सारे होते हैं भाई, नीलिंग, स्टैंडिंग, प्रोन, ठीक है। इन हाई जंप कंपिटिटर जंप अन एडिड ओवर खालिस्तान मीटर लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार, 4 मीटर भाई, 4 मीटर इसकी लेंथ होती है हॉरिजॉन्टल बार की, 4.05 भी हो जाता है कई बार, ठीक है। व्हाट इज द हाइट ऑफ ईच हर्डल्स, 100 मीटर 38 सेंटीमीटर होती है भाई, ठीक है, बिल्कुल राइट है ये। इन टेनिस ड्यूरिंग ए टाई ब्रेक प्लेयर सेल चेंज दियर एंड्स आफ्टर एवरी 6 पॉइंट भाई, बिल्कुल ये भी राइट है। आईबा मीन्स मेंस लाइट वेट कैटेगरी हैज ओवर 56 to 60 kg भाई, ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, देख लेना इस क्वेश्चन को भाई। जिमनास्टिक में विड्थ पूछी है वोल्टिंग टेबल की 95 सेंटीमीटर भाई, ठीक है। हैंडबॉल में खिलाड़ी कितने कोर्ट में, 7 होने चाहिए भाई, बिल्कुल राइट आंसर है ये 7। कुश्ती के एक मैच के संदर्भ में 3 मिनट के 2 पीरियड होते हैं, बिल्कुल ओलंपिक में आपने देखे होंगे। एमएस पावर पॉइंट में प्रिंट करने के निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट का उपयोग करोगे, Ctrl+P। अच्छा इसके बाद एमएस पॉइंट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में एक नई स्लाइड जोड़ने के निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है, Ctrl+M भाई। बी, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रिंटिंग इवेंट है, दोनों इस प्रिंटिंग इवेंट है भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ व्यू ऑफ एन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट, तीनों ही हैं भाई, रीड मोड, प्रिंट लेआउट, आउटलाइन, बिल्कुल है भाई। एक टेबल टेनिस मैच में कितने गेम्स होते हैं, गेमों की विषम संख्या भाई, जब तक इक्वल होते जाएंगे विषम संख्या में वो जाता जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट इज यूज टू बोल्ड द सेलेक्टेड सेल इन एमएस एक्सेल, Ctrl+B भाई।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग बैडमिंटन द साइड विनिंग ए ए रैली सर्व इन द नेक्स्ट पॉइंट प्लेयर मस्ट सेव सर्व डायगोनली बिल्कुल भी दोनों ही बातें ठीक है बोथ वन एंड टू लॉन्ग जंप की दूरी मापी जाती है बिल्कुल वही है इसी से मापी जाती है ऑप्शन सी तो ये था भाई फिजिकल एजुकेशन का पोर्शन मेरे को ये थर्ड शिफ्ट से पेपर इजी लगा मैं बता दूं क्योंकि मैंने तीनों शिफ्ट के पेपर देखे मैंने जो पेपर दिया फर्स्ट शिफ्ट का टू मच इजी उस पेपर में कुछ नहीं था नथिंग सेकंड शिफ्ट के पेपर का लेवल बढ़ा और थर्ड शिफ्ट में पेपर का लेवल और बढ़ा वहां पे स्टेटमेंट का लेवल थोड़ा सा हाई था और बड़ी भी थी यहां पे भी कुछ एक स्टेटमेंट बड़ी है लेकिन उसके हिसाब से मेरे को लगा ये मेरा पर्सनल व्यू है भाई कहीं आप इसको पर्सनल मत लेना मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक बहुत जल्दी हम पर्सनल चीजों को फील करते हैं भाई देखो मैं अंतिम सत्य नहीं हूं अंतिम सत्य डीएसएस भी है वो तय करेगी कि रियल में क्या यहां पे फैक्ट है क्या राइट आंसर आएगा क्या पेपर का लेवल है किसको नॉर्मलाइजेशन में फायदा होगा लेकिन इसके लिए ओवरऑल एक अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की जल्द ही जहां पे मैं आपको अनुमानित कट ऑफ बताऊंगा मेरे हिसाब से मेरे को क्या लगता है कट ऑफ कहां पे जा सकती है होने को कुछ भी हो सकता है भाई मैं अनुमानित कट ऑफ आपके लिए लेके आऊंगा जल्द ही इस वीडियो को आप देख रहे हो या कल तक कल शाम तक वो वीडियो आ जाएगी वो मेरा व्यू होगा भाई मेरे को पेपर के लेवल के हिसाब से क्या लगता है और मैं बता दूं फर्स्ट शिफ्ट के जो बच्चे हैं वो जो है उनका स्कोर जो है रियल में बहुत ज्यादा हाई होने वाला भाई डजेंट मैटर कि पेपर ने आपको सरप्राइज दिया लेकिन फिर भी आपके पास पूरा टाइम था उस टाइम में आपने पेपर को जरूर कर दिया होगा मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 30 मिनट में भी आपने वो सारी स्टेटमेंट पढ़ डाली होंगी फिर भी आप 80 क्वेश्चन तक गए हो तो भी आपको समस्या नहीं हुई होगी लेकिन लास्ट की दो शिफ्ट पहली शिफ्ट से मुश्किल थी और मेरे को लगता है थर्ड शिफ्ट सबसे ज़्यादा मुश्किल थी अब देखते हैं क्या होता है नॉर्मलाइजेशन में एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो कल आ जाएगा ठीक है अभी के लिए स्टूडियो में वीडियो को लास्ट तक आप देखें इसके लिए आपसे बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू भाई।